लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नवप्रभा के सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये बेल आइकन दबाइए। हेलो एंड वेलकम टू नवप्रभा लाइव। मैं हूं नित्या विश्वकर्मा और मैं आ गई हूं आपके साथ बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट्स और हाइलाइट्स डिस्कस करने के लिए। बिग बॉस 12 के अनोखे कपल अनूप जलोटा और जसलीन मथारू शुरुआत से ही चर्चा का विषय बने आए हैं और हाल ही में उनके अलग होने की भी खबरें सामने आई थी। बिग बॉस द्वारा दिए गए एक टास्क में जब जसलीन को अपना मेकअप और कपड़े कुर्बान करने को कहा गया था ताकि वो अनूप जी को सेव कर ले, तो वो इस बात से पीछे हट गए और इस बात पर अनूप जलोटा इतने खफा हो गए, वो इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने इतना तक कह दिया कि वो जसलीन के साथ गेम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो कपल की बजाय एज अ सिंगल खेलेंगे। लेकिन शायद बिग बॉस को ये बात थोड़ी पसंद नहीं आई और उन्होंने इन दोनों के लिए एक रोमांटिक डेट का इंतजाम किया। इस डेट पर अनूप जलोटा ने अपनी गर्लफ्रेंड जसलीन के लिए चौधरी का चांद गाना गाया। अब इतनी रोमांटिक डेट है तो चीजें तो सॉर्ट होनी बनती थी और इन दोनों के बीच सारी बातें नॉर्मल हो गई। लेकिन आप ये मत सोचिए कि बिग बॉस के घर में अगर रोमांस जारी है तो लड़ाइयां नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि घर में एक तरफ अगर रोमांस चल रहा था तो दूसरी तरफ हंगामा और लड़ाइयां भी। लक्जरी टास्क के बाद कैप्टेंसी टास्क के लिए घर वालों में से सोमी, सबा, सौरभ, रोमिल, सुरभि और शिवाशीष पार्ट लेते हैं। इस टास्क की मॉडरेटर नेहा होती है जो कि सोमी को अनफेयर गेम खेलने के नाम पर डिस्क्वालिफाई कर देती है। इस बात पर खान सिस्टर सोमी और सबा घर में हंगामा खड़ा कर देती है। टास्क में कंटेस्टेंट्स को एक रिंग को होल्ड किए रहना पड़ता है जिसके एंड पर सुरभि, राणा और रोमिल घर के नए कैप्टन बनते हैं। इस कैप्टनसी टास्क के बाद बारी आती है काल कोठरी के नॉमिनेशंस की। इस काल कोठरी के नॉमिनेशन में बिग बॉस करणवीर, नेहा और श्रीसंत को नॉमिनेट करते हैं। एपिसोड के एंड में श्रीसंत और सुरभि राणा के बीच एक छोटा आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। इस हफ्ते दोस्तों आप किसे सेव करने वाले हैं ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपने अब तक नवप्रभा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।